गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ मटर पनीर की रेसिपी शेयर करूंगी। तो ये मीडियम साइज कटे हुए प्याज, मटर और ये पीसे हुए दो मीडियम साइज टमाटर, एक टेबल स्पून अदरक लहसुन पेस्ट, पनीर, धनिया दो बड़े टेबल स्पून, सरसों ऑयल, तीन कटे हुए मिर्च और ये थोड़े खड़े मसाले हैं विथ हींग और ये थोड़ी सी खटाई और गरम मसाला और ये सब मसाले। इसमें है देगी मिर्च पाउडर, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, मटर पनीर मसाला, धनिया पाउडर, नमक और ये थोड़ा सा सब्जी मसाला। तो ये सारा इंतजाम कर लिया है, देख सकते हैं आप। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं बनाना। स्टोव ऑन, हम गैस को ऑन करते हैं। अभी कढ़ाई गर्म हो रही है, थोड़ी सी गर्म हो जाए उसमें ऑयल डाल देते हैं। तेल गरम हो रहा है, खड़ा मसाला डाल देते हैं सारा। तेल गरम हो चुका था, इसको हल्का सा फ्राई कर देते हैं। इसमें डाल देते हैं प्याज को अच्छे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करते हैं। फिर इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देते हैं, हरी मिर्च ये डाल देते हैं इसके साथ में। आप चाहें तो इसको मीडियम फ्लेम पर बनाएं तो बहुत ही अच्छे से पकता है। अब हम इसमें टमाटर की प्योरी डाल देते हैं। दो तीन मिनट तक पकाने के बाद हम इसमें मसाले डाल देंगे। आप देख सकते हैं मनी भी इसको टाइम डाल देंगे हमको। गरम मसाला और खटाई के थी आप लास्ट में डालें। अब देख सकते हैं बहुत बढ़िया कलर आया है, देगी में इसको बहुत अच्छा कलर आता है। थोड़ी देर देर तक इसको खराब करेंगे वरना शिकायत नहीं कर सकता है। देख सकते हैं इसमें ऑयल अलग हो रहा है मसाले पर। अब इसमें मटर डाल देंगे, चलाएंगे अब हम इसे पानी डाल देंगे। पनीर डाल देंगे। चला देंगे अच्छे से। ग्रेवी अपने हिसाब से पतली गाढ़ी जैसे भी आपको पसंद है वैसे कर सकते हो आप। अब मैं इसमें खटाई की थी और गरम मसाला दोनों ऐड कर देती हूँ। अब इसको ढक करके
दो मिनट तक पकाते हैं। तो देखते हैं, आप देख सकते हैं पनीर पक चुकी है और इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। सो गाइस, ये मटर पनीर बनके रेडी है। आप लोग बताइएगा मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय, लव यू।